पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित वन महोत्सव के दौरान होने वाले वृक्षारोपण के तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य वन संरक्षक दीपक कुमार, प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार, कुशीनगर कर प्रभागीय वन अधिकारी बोनिक चंद ब्रह्मा, प्रभागीय निदेशक प्रमोद कुमार गुप्ता मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु ने बताया कि पूरे प्रदेश में एक ही दिन 25 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर ले और अभी से गड्ढों की खुदाई प्रारंभ कर दे, जिससे निर्धारित लक्ष्य को 100% पूरा किया जा सके। इसमें देखिए, अभी जो इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों ने अपने PMS पर जो और जैसे कि कल से खराब स्थिति है, अभी हमीरपुर, सोनभद्र, संभल, महोबा, महाराजगंज, बलरामपुर, बरेली, अमरोहा, इन लोगों की प्रगति अभी बताइए क्यों नहीं है। सबसे पहले हमीरपुर, हमीरपुर हमारे यहाँ अभी विभागों को 24,23,720 पौधे गड्ढे खोदते हैं, जिसमें 10,02,062 गड्ढे खोद गए हैं और 42% हमारी पर काम तक की प्रगति हो गई है। जो 100% तक ले जाना है, अब मैं सोनभद्र से पूछना चाहता हूँ, सोनभद्र देखिए, बाकी सब लोग 100% तक पहुंच गए हैं, लोगों ने इंटेंट जारी करना शुरू भी कर दिया है और आप लोग इस तरीके से पीछे हैं, ये मुझे आप लोगों से उम्मीद नहीं थी। कम से कम 16 से आप जैसे ऑफिसर से आपको पहले से प्लानिंग कर दिए, इसके पहले से प्लान कर देना चाहिए था और इसको अब तक छुट्टी को लेकर अप्रूव कर देना चाहिए था।